बिग बॉस का पहला एलिमिनेशन हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उर्फी यादव वो नाम है, वो शख्स है, वो कंटेस्टेंट हैं जो कि इविक्ट हुई थी। और यहाँ पर वो जो इविक्ट हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत वजह से हुई थी। दोस्तों ये पूरा का पूरा शो ही इस बार कनेक्शन के ऊपर बेस्ड है और ज़ीशान ने उन्हें अपने कनेक्शन पर धोखा दिया। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब उनका इंटरव्यू भी सामने आ चुका है। यहाँ पर जब उर्फी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी गलती क्या थी बिग बॉस से इविक्ट होने की, तो ये कहती हुई नज़र आई कि गलती तो मेरी कुछ भी नहीं थी, ना मुझे अब लगती है, बस ये शो कनेक्शन का था और मेरा कनेक्शन, यानी कि ज़ीशान काफ़ी ज़्यादा बड़ा गधा निकला। दोस्तों यहाँ पर वो उनको गाली भी देती हुई नज़र आई और वो ये कहती हुई नज़र आई कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया, प्लस यहाँ पर उसने अपनी दोस्ती का रंग दिखा दिया। और वो ये भी कहती हुई नज़र आई कि दिव्या की मैं बात करूँ तो दिव्या तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी चालबाज है, वो इतनी बड़ी तेज़ लोमड़ी है कि उसको हर चीज़ पता है। उसको हर चीज़ इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पर वो 4-5 शो रियलिटी शो कर कर आई है और उसे ये पता है कि कहाँ से कहाँ फुटेज मिल सकती है। तो दोस्तों वहीं पर बात की जाए यहाँ पर उर्फी की री एंट्री की, तो उर्फी ये कहती हुई नज़र आती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि इस बार अगर मैं बिग बॉस फिर से जाती हूँ, इस बार अगर मैं जाऊँगी तो पूरी नागिन बनकर जाऊँगी, और वो नागिन जिसका पति इन लोगों ने मार दिया फुल गुस्से के अंदर, और इस बार मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। दोस्तों अब देखना लाजवाब ये होने वाला है कि किस तरीके से उर्फी जो है वो या तो वापस आती है या फिर ज़ीशान के बाहर जाते हैं, क्योंकि ज़ीशान के बाहर जाते ही उर्फी काफ़ी ज़्यादा फटने वाली है ज़ीशान के ऊपर। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।